अमरोहा में एनआईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। 90 पेड़ों को अवैध रूप से काटने के मामले में दर्ज हुआ केस। एनआईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चल दिखाया था। वहीं भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटे थे फलदार पेड़। एसपी नेता मुकेश चौधरी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एनआईटीवी ने भूमाफियाओं के खिलाफ चलाई थी यह खबर और खबर को प्रमुखता से बार बार दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर हुआ है। भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटे थे फलदार पेड़। कानूनी जुर्म है कि कानूनी पेड़ नहीं काट सकते, फलदार पेड़ ग्रीन पेड़ जो है उन्हें नहीं काट सकते, बावजूद इसके पेड़ काटे गए अवैध रूप से। अब इस मामले में केस दर्ज हो गया है। 90 पेड़ों को काटा गया था। एनआईटीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, बार बार दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा है और खबर का असर हुआ है। भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटे थे फलदार पेड़। अमरोहा में एनआईटीवी की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। 90 पेड़ों को अवैध रूप से काटने के मामले में केस दर्ज हुआ है। एनआईटीवी में खबर को चलाने के बाद प्रशासन जागा है। बता दें एनआईटीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, बार बार दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी है, कुमकर्णी नींद टूटी। अमरोहा में एनआईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनआईटीवी किसी खबर को दिखाता है तो उसकी खबर का असर जरूर होता है, मामले में संज्ञान लिया जाता है। वही हुआ 90 पेड़ों को जिस तरह से अवैध रूप से काटा गया था। फलदार पेड़ थे, हरे पेड़ थे जिन्हें काट दिया गया था। इस मामले में अब केस दर्ज हुआ है। भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटे थे फलदार पेड़। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेश चौहान जुड़ गए। देवेश, ये अवैध रूप से 90 पेड़ काट दिए गए थे, कानूनी जुर्म है कि हरे और फलदार पेड़ नहीं काट सकते, बावजूद इसके काटे गए। खबर को एनआईटीवी ने प्रमुखता से बार बार दिखाया और इस खबर का असर हुआ है। जी खुशबू, दरअसल ये मामला पूरा उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर क्षेत्र का है, जहाँ दीपावली की रात में अंधेरे की आड़ में लोगों ने जो भूमाफिया है यहाँ पर, उन लोगों ने रात में लगभग 20 बीघे का बाग, जिसमें 90 पेड़ थे, आम के पेड़ थे, वो फलदार वृक्ष थे, हरे भरे पेड़ थे, जिनको रात में भूमाफियों ने काट डाला। देवेश, उसके बाद जी उसके बाद R9 ने इस टीवी को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन जागा और तत्काल में 6 लोगों के खिलाफ FIR की गई है, जिसमें एक सपा नेता मुकेश चौधरी भी है। और कौन कौन लोग हैं? एक तो मुकेश चौधरी हो गए जो सपा नेता हैं, और इसमें और कौन लोग शामिल हैं? क्या प्रशासन में भी जो है, एक इसमें संबंधित अधिकारी जो उनकी मिली भगत सामने आई होगी? जी 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 देवेश, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।